संबल में चार लोग ही जान गए, चार लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। जिन बच्चों की जान गई है जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो। देखिए अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है, और संभल में चार लोग ही जान गए, चार लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं, और जिनकी जान गई, मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है, उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते। मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जिन बच्चों की जान गई है जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है चार लोगों की जान गई। चार लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बनाकर रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो, और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इश्यू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कई ऐसे मामले लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। संभल में चार लोग जान गए, चार लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते। जिन बच्चों की जान गई है जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो। देखिए अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है, और संभल में चार लोग ही जान गए, चार लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं, और जिनकी जान गई, मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है, उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते। मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जिन बच्चों की जान गई है जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है चार लोगों की जान गई। चार लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा
कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बनाकर रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया। बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कई ऐसे मामले लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।